रतनपुर में शारदीय नवरात्रि महोत्सव 2-6 सितंबर से 4 अक्टूबर तक शुरू होने जा रहा है, जिसका सिद्ध शक्तिपीठ महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा पुराना महामाया धर्मशाला में बैठक आयोजित की गई, जिसमें ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक जनप्रतिनिधि के साथ नगर के पत्रकार इस बैठक में शामिल हुए। सिद्ध शक्तिपीठ महामाया मंदिर ट्रस्ट रतनपुर द्वारा शारदीय नवरात्रि पर्व 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक शुरू हो रहा है, जिसकी व्यवस्था तैयारी को लेकर रविवार सुबह 11 बजे बैठक रखी गई थी। इस बैठक में नगर के साथ आसपास ग्रामीण अंचल के लोग भी पहुंचे, जिसमें सभी ने अपना अपना सुझाव दिया, जिसमें प्रमुख रूप से कोरोना काल के नाम से जस गीत बंद था, जिसे इस नवरात्र में चालू किया जाएगा। भंडारा की व्यवस्था के लिए भी अलग से टाइम टेबल निर्धारित की जाएगी एवं लाइट, पानी, प्रवेश द्वार पर बैरिकेड, ध्वनि सिस्टम, साफ सफाई व्यवस्था मुख्य रूप से शामिल थे, जिसमें महामाया मंदिर ट्रस्ट द्वारा अमल करने की बात कही गई है। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट। जो नवरात्र होते हैं उसमें ट्रस्टियों के द्वारा एक नगर के गणमान्य नागरिक एवं सहयोगियों की एक बैठक होती है। ये बहुत पुरानी परंपरा है, ताकि जो भी नवरात्रि के 9 दिन पूरे जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चलें, उसके लिए बहुत सारे सुझाव आए। हर बार सुझाव आते हैं और हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो भी सुझाव है उसको अमल में लाया जाए। इस बार चूंकि पिछले दिनों कोविड के कारण बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन अभी आज नगरवासियों सहयोगियों के द्वारा कुछ सुझाव आए हैं कि कुछ कार्यक्रम होने चाहिए, थोड़े से भीड़ होनी चाहिए, तो उसमें जस गीत को फिर से चालू किया जा रहा है और जो भंडारा है उसको थोड़ा सा समय को कम सीमित समय के लिए, लेकिन भंडारा भी प्रारंभ किया जा रहा है उसमें। और